हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करूंगा आईसीआईसीआई पीओ का 51st बैच जो है उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग, साथ में क्लासेस ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी और रिजल्ट कब तक आने के चांसेस हैं उसके बारे में, और साथ में कुछ रिक्रूटमेंट्स है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं वीडियो में बहुत बातें बताता हूँ बट उसके पहले ही आप सेम क्वेश्चन कमेंट कर देते हो जो मैं शायद हाफ वीडियो जब आप देख लोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा। तो पहले वीडियो आप देख लो, उसके बाद अपना क्वेश्चन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। दूसरी बात है, बहुत लोगों का 3-4 बार सेम कमेंट आता है, तो जब आप कोई कमेंट करते हो तो उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद उस पर वापस जाया करो, ठीक है, क्योंकि मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, उस पर मैं भी एक दिन के बाद करता हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है, तो इसलिए करके आप अपने उस कमेंट पे जाया करो, ठीक है, तो वहाँ पे मैं रिप्लाई करता हूँ, आप देख लिया करो एक बार। दूसरी बात है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब मेरी न्यू वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो देखो, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो अभी एग्जाम रिसेंटली हुआ है 5 दिसंबर को या 6 को, ठीक है, या उसके बाद भी जो एग्जाम्स हुए हैं, क्योंकि जैसा मैंने कमेंट्स देखा है अभी लास्ट वीक में भी शायद एग्जाम हुआ है, ठीक है, बट ये बता दूं कि अभी का श्योर नहीं हूं कि अभी इस वीक में भी एग्जाम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ को बाद में भी आया है एग्जाम, मतलब ऑनलाइन एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग मेल, ठीक है। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग जहां तक बात है, आपको पता होगा कि 51st बैच का ही एग्जाम हुआ है जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है, तो इसका रिजल्ट मे भी आपको इस मंथ के लास्ट में 30 या 31st तक मे भी पॉसिबिलिटी है, बट चांसेस कम है आने के। ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपको कि नेक्स्ट ईयर में, मतलब कि जनवरी में 2nd वीक तक आएगा, या अगर 2nd वीक तक नहीं आया तो लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है, बट इट कैन बी लेट, ठीक है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी लास्ट 50 बैच जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसका भी आपको पता होगा, जिन लोगों का उसमें नहीं हुआ था आपको अच्छे से पता होगा कि बहुत लेट लगा था रिजल्ट आने में, ठीक है, सारे कुछ मतलब कि प्रोसीजर में भी कुछ लेट लगा था, ठीक है, बट फाइनल रिजल्ट आने के बाद उतना लेट जो है तो नहीं हुआ था। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अब बहुत लोग ये पूछेंगे कि ऑनलाइन क्लास होगा या ऑफलाइन। अभी जो बैच 50 जो स्टार्ट हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है, ठीक है, नवंबर में जो स्टार्ट हुआ है वो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है, और अभी जो सिचुएशन है तो वो ऐसी है कि आपका अगर नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट होगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऑनलाइन हो, बट यहाँ पर एक केस ये है कि अगर नॉर्मल हो गया, वैसे तो नॉर्मल के चांसेस नहीं लग रहे हैं, बट अगर नॉर्मल हो गया तो फिर आपका जो सेकंड मतलब कि 51st बैच जो होगा वो डायरेक्ट आपको मणिपाल बुलाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि शायद जनवरी के 2nd वीक में या 3rd वीक में, मतलब जो बैच 50 है, 50वां बैच जो हो रहा है अभी, ठीक है, उनको जनवरी के 2nd या 3rd वीक में, ऐसा मैंने सुना था, किसी स्टूडेंट ने बताया था कि उनको मणिपाल बुलाया जाएगा, बट ये श्योर नहीं है। तो अभी आप क्लासेस के रिगार्डिंग तो मतलब रहने ही दो, थोड़ा सा अभी फिलहाल रिजल्ट का वेट करो, उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन है, फिर आपका इंटरव्यू है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ग्रुप डिस्कशन के रियल एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो स्टूडेंट्स ने मतलब अटेंड किए हैं, या इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो भी उनसे क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में, तो उसके वीडियोज जो है मेरे चैनल पे हैं, ठीक है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में मैंने सारे अलग अलग फोल्डर्स बनाए हुए हैं, आपको जो अभी लेटेस्ट बैंक्स में रिक्रूटमेंट्स है, अभी मैंने कल ही कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ वैकेंसीज है उसके ऊपर मैंने मतलब वीडियो बनाया है, तो आप वो देख सकते हो। एक्सिस, ICICI, ये सारे बैंकों में वैकेंसी चल भी रही है, ICICI में भी हो रही है, अभी उसके करियर वाले पेज पर जाओगे आप तो आप देख सकते हो। कुछ वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, बाकी आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट कर लेना, वहां पर अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं सारे, आपको वहां पर सारे टाइप्स के वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे, तो आप एक बार वहां पर वीडियोस को देख लो, ठीक है, उसके बाद अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, मे भी थोड़ा सा लेट हो सकता है बट मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक जो मैंने आपको बताया है, आई थिंक वो आपको समझ में आया होगा, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड जो लोग न्यू हो वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।